चलिए बनाते हैं आसान और न्यूट्रिशन से भरा हुआ रागी यानी कि फिंगर मिलेट के लड्डू, वो भी देवदर सी किचन के साथ। नमस्कार, देवदर सी किचन में आप सबको स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी याद करके जरूर दबाना, जैसे कि मेरा हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो देरी किस बात की, चलिए आज का मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो रागी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऐड करूंगा करीबन आधा कप यानी कि 60 ml घी। अब हमारा घी भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन घी को ज्यादा गर्म भी नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है रागी यानी कि फिंगर मिलेट जो कि 2 कप है, वजन से 440 ग्राम। तो अभी मैं रागी को अपने घी में धीरे धीरे करके ऐड करूंगा और इसे ऐसे धीमी धीमी आंच में हमें काफी टाइम पकाना है। अब देखिए हमारा रागी यानी कि फिंगर मिलेट अभी सही से घी के साथ कुक हो चुका है, तो और इसे बस थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। अब मैं अपने रागी का मिक्सचर को एक बाउल में निकाल चुका हूँ और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे करीबन 200 ग्राम का पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर रखा था, अभी इसको अपने रागी में ऐड करूँगा और इसे आहिस्ता आहिस्ता करके अपने रागी के मिक्सचर के साथ मिलाऊंगा। आप चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा अपने स्वाद के मुताबिक कर सकते हो। देखिए हमारा रागी का मिक्सचर आइसिंग शुगर के साथ बहुत अच्छे से मिल चुका है। पहले मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कुटा हुआ हरी इलायची जिसको मैं अपना रागी में ऐड करूंगा। इलायची ऐड करने से लड्डू का स्वाद और उसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छे से उभर के आएगा। अब देखिए मैं रागी का मिक्सचर को अपने आइसिंग शुगर के साथ बहुत अच्छे से अभी मिला चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी के बदले में आप चाहो तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ये गुनगुना पानी को थोड़ा थोड़ा करके अपने रागी में ऐड करूंगा। अगर आप अपने लड्डू को काफी दिन एंजॉय करना चाहते हो यानी कि 1 हफ्ते से भी ज्यादा, तो आप पानी के बदले में यानी कि गुनगुना पानी के बदले में चाहो तो थोड़ा सा गर्म घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं हाथों में इसका थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्सचर लूंगा और इसको लड्डू का शेप दूंगा। ये देखिए कुछ ऐसा ही। इसको एक प्लेट में रख लूंगा, वैसे ही मैं बाकी सारा बना के तैयार कर लेता हूँ। तो मेरा रागी का लड्डू बनाने का तरीका आपको कैसे लगा कमेंट करने के लिए मत भूलना।